नेहमी समाजाच्या हितासाठी सर्वस्वपणाला लावणारे व निरोध व्यक्तींच्या न्यायासाठी अहोरात्र झटणारे वकील त्यांच्या कामाच्या व्यस्ततेमुळे आपल्या परिवाराला देखील वेळ देऊ शकत नाहीत, त्यामुळे कित्येकदा त्यांना शारीरिक व्याधींसोबत मानसिक व्याधींना देखील सामोरं जावं लागतं. अशा परिस्थितीत वकिलांच्या आयुष्यात देखील थोडे क्षण आनंदाचे यावे आणि त्यांनी देखील आपल्या सहकाऱ्यांसोबत थोडा वेळ कामाच्या तणावातून काढता यावा, यासाठी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून जिल्हा न्यायालयात भव्य बुद्धिबळ सामन्याचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने जिल्हा न्यायालयाच्या इतिहासातील पहिली भव्य बुद्धिबळ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. 16 ऑगस्ट ते 23 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या या बुद्धिबळ स्पर्धेत किमान 80 वकिलांनी सहभाग नोंदविला होता. बुधवारी सायंकाळी या स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. या कार्यक्रमादरम्यान उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील श्रीरंग भांडरकर, महाराष्ट्र बार काउन्सिलिंगचे माजी अध्यक्ष अनिल गोवर्दिपे आणि जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कमल सतुजा यांच्या हस्ते विजेत्यांना रोख बक्षिसे तसेच ट्रॉफी देण्यात आली. या आयोजनात सत्र न्यायाधीश JP झपाटे, श्रीमती HC शेंडे, मुंबई बार काउन्सिलचे माजी चेअरमन ॲडव्होकेट आसिफ कुरेशी, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कमल सतुजा, सचिव नितीन देशमुख, ॲडव्होकेट रोशन बागडे, बुद्धिबळ आयोजन समितीचे मुख्य आयोजक माजी जिल्हा सरकारी वकील विलास राऊत, ॲडव्होकेट योगेश सोनी हे उपस्थित होते, तर मुख्य प्रशिक्षक गोविंद भाके यांनी आर्बिटरची भूमिका पार पाडली. कमल सतुजा, जिला वकील संगठन नागपुर का अध्यक्ष. हम आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 8000 वकील लोग थे. आज हम लोग सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के हम लोग न्यायालय में काम करते हैं. उसके बाद फिर हम लोग घर जाने के बाद में खाना खा के फिर 7 बजे से लेकर रात के 11, 12, 1 समय मालूम नहीं रहता कितना समय लग जाए हम लोग ऑफिस संभालते हैं. हम लोग 24 घंटे में से हम लोग 16-17 घंटा काम करने के कारण कई बार क्लाइंट का मानसिक तनाव हमारे सर पे भी आ जाता है. कोर्ट में भी वकालत करना, क्लाइंट्स को भी अटेंड करना, परिवार को भी देखना, हमारा मैक्सिमम जीवन काम में जाता है. तो ये काम से थोड़ा तनाव से हमको दूर होना है तो हमको खेल में आना पड़ेगा. अभी हम लोगों ने 5-6 महीने पहले क्रिकेट की स्पर्धा आयोजित की थी. नाइट टूर्नामेंट रखा था हम लोगों ने. 11 दिन का क्रिकेट टूर्नामेंट किया. बहुत सुंदर और भव्य पैमाने पे वो कार्यक्रम हुआ. पूरे वकील वर्ग में एक इतने सुंदर कार्यक्रम में 11 दिन का ऐसा लगता था कि हम लोग एक दिवाली मना रहे हैं 11 दिन की. वहाँ VKB न्यूज साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े सह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.